राम भक्त पूरी सब्जी चावल छोला बाट रहे हैं, भीड़ ना संभल पा रही है, पुलिस वाले डांट रहे हैं। ब्यूटीफुल सजा है हर पंडाल, आया बड़ा मंगल आया, मंगल आया भंडारा भैया हो रहा भंडारा, हो रहा भंडारा भैया हो रहा भंडारा। इस न्यूज में आपका स्वागत है। जेठ माह के पहले बड़े मंगल के अवसर पर आज जहां शहर में भंडारों में भारी भीड़ जुटी, वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय के वन्य जीव संस्थान व निवेदिता छात्रावास के तत्वाधान में भंडारे का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक राय ने भंडारे की शुरुआत हनुमान जी की पूजा अर्चना के साथ की। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित कुमार के साथ। मैम, ये जो भंडारा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है जी, थोड़ा इसके बारे में बताएं और ये कब से आप लोगों ने इसकी शुरुआत करी है? भंडारा हमारे विश्वविद्यालय में हमेशा हर विभाग में लगता रहा है, लेकिन कोरोना काल के बाद ये निवेदिता हॉल में पहली बार हो रहा है। निवेदिता हॉल के छात्रावास में जो छात्राएं हैं उनके कंट्रीब्यूशन से, यहाँ के कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन से, इंस्टीट्यूट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंसेज के अंतर्गत NVSRP के एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन से, और बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लैब डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के छात्रों और रिसर्च स्कॉलर के कंट्रीब्यूशन से ये भंडारा हो रहा है, जिसका उद्घाटन और जिसमें आज तो जो हमारे माननीय कुलपति जी हैं प्रोफेसर आलोक कुमार राय, उनके संरक्षण में और उन्होंने आज इसकी शुरुआत की। वो 11 बजे आए, उन्होंने हमारे भगवान जी को जो हनुमान जी हैं उनके उनको भोग लगाया, उन पे फूल अर्पण और कपड़े वस्त्र अर्पण किए, और फिर उसके बाद से ये भंडारा शुरू किया हम लोग ने, जो कि 11 बजे शुरू हुआ है और शाम के 4 बजे तक चलेगा। और हमें लगता है कि हम लोग को बहुत, छात्राएं भी बहुत उल्लास से मतलब खिला रही हैं, उनको ये लग रहा है कि कोरोना के बाद इतने लोगों को हम लोग मतलब एक खाना खिलाने का एक अच्छा काम कर रहे हैं, और टीचर्स और कर्मचारी और सभी को एक वो मिलता है कि एक अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं आज। तो मैम, ये सभी के लिए है, इसमें यूनिवर्सिटी के ही कर्मचारी हैं या बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कुछ लोगों के रिश्तेदारों ने भी किया है कंट्रीब्यूशन, लेकिन मेन यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। और हम लोग कोई भी आ रहा है यहाँ पे, जो भी आ रहा है, जिसको भी भूख या प्यास है, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी पिलाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो जूलॉजी में रिसर्च लैब है वहाँ से भी बच्चों ने आके यहाँ पे रूह अफ़ज़ा बांटा, किसी ने पानी बांटा, और हम लोग यहाँ पूरी सब्जी और बूंदी बांट रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिचा बनर्जी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, प्लस मैं इस हॉस्टल की असिस्टेंट प्रोवोस्ट भी हूँ। तो 2 साल बाद पैंडेमिक के, जब ये आज का मौका मिला हम लोग को, जहाँ पे मुझे लगा कि 2 ईयर्स लोगों का कुछ भी एक्सपोजर नहीं हुआ, सब चीज़ें बंद, लोगों ने इस एस्पेक्ट को बहुत मिस करा, तो हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि फर्स्ट जो बड़ा मंगल होगा दैट वुड बी द मोस्ट ऑस्पिशियस फॉर 2022, तो इस दिन हमने डिसाइड करा कि आज के दिन फर्स्ट यूनिवर्सिटी में हम लोग अपना हॉस्टल का पहला ये जो प्रसाद वितरण है ये रखेंगे। तो मेन हम लोग का इम्प्लीकेशन ये था कि जो लोग इतने दिनों से अपने घर में बैठे थे, ये सब चीज़ें मिस करते थे, तो बड़ा मंगल के उपलक्ष्य में आए, हमसे जुड़े, ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें। तो दैट हैज़ बीन द मोटो ऑफ आर एंड माई प्रोवोस्ट मैडम्स इंटेंशन वॉज देयर फॉर दिस वेरी पर्पज इटसेल्फ, सो थैंक यू। मैम, कितना एक्साइटेड हैं आप सब लोग इसको लेकर? बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग 2-3 दिन से लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड द मॉर्निंग आज हम लोगों ने जब ओपन करा इट वॉज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। अभी भी आप लोग अगर कवरेज देखेंगे करेंगे तो आप लोग को देखेंगे ना को मिलेगा, इतने लोग आ रहे हैं, दे आर सो हैप्पी एंड दे आर टेकिंग ऑल द स्टफ जितना उनको मन हो रहा है, बूंदी खा रहे हैं एंड ऑल। आई गेस दिस इज अ क्रेज एंड अटैचमेंट जो दिखा, तो आई एम तो क्वाइट एक्साइटेड एंड पीपल आर ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड। थैंक यू, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।